नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गणित के लिए लगातार वीडियो आ रहे हैं, आप उसको रोज़ देखिए और प्रैक्टिस करते जाइए। तो कुछ ऐसे यहाँ पे चीज़ें बताई जा रही है जिससे आप कम समय में गणित को बनाया जा सकें। बहुत लोगों को आप में से पता भी होगा ये सब, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं भी रहता है, ठीक है। तो उनके लिए ये सब वीडियो है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, और लाइक ज़रूर करें, ताकि आपके लिए ही और आगे वीडियो आते रहें और इसमें सुधार हो, इससे अच्छा भी वीडियो आए। तो इसके लिए आप ही लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब का लाल बटन है, उसको दबाना है, फिर बेल आइकन दिखता है, उसको दबाना है। तो आज का पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है, तो देख सकते हैं कि ये जो प्रश्न लिखा है ये हमारा पहला प्रश्न नहीं है। पहला प्रश्न असल में ये है, देखिए ब्रैकेट के अंदर है 931 धन 138 पूरे की घात 2 है, उसके बाद धन का चिन्ह है, और 931 ऋण 138 पूरे की घात 2 है, ठीक। फिर बटा में 931 गुणित 931 धन 138 गुणित 138, ये है, ठीक। ये है हमारा क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। तो इसको कैसे हल करना है, और यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है, चिन्ह का। जो ये चिन्ह है, जैसे यहाँ पे धन है, यहाँ पे धन है, यहाँ पे ऋण है, यहाँ पे धन है, तो ये चिन्ह को हमेशा ध्यान रखना है। गणित का जो सवाल है उसमें चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, ये है हमारा प्रश्न, प्रश्न को आप देख लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के प्रश्न हमेशा किसी न किसी फार्मूले को दर्शा रहे होते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ भी देखिए 931 लिखा है, यहाँ 931 है, यहाँ 138 है, यहाँ भी 138 है, यहाँ 931, 931, 138, 138। तो ये ए और बी वाला फार्मूला दर्शा रहा है, यहीं से आप समझ सकते हैं। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, किस तरह से, इस तरह से ए धन बी पूरे का वर्ग धन ए ऋण बी पूरे का वर्ग, और इसके बटे में क्या था, ए का वर्ग धन बी का वर्ग। ए का वर्ग मतलब ए गुणित ए, मतलब 931 गुणित 931, उसी तरह बी वर्ग बराबर 138 गुणित 138। तो ये जो है असल में ये है, इसको दर्शा रहा है। अब बस ये कौन सा फार्मूला है, यही आपको याद होना चाहिए। तो ये सीधा सीधा जो है बराबर होता है, इसका जो ऊपर का जो दिख रहा है ना, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला, ये बराबर होता है 2 ब्रैकेट के अंदर ए की घात 2 धन बी की घात 2 के, और नीचे तो जैसा है वैसा ही रहेगा, ए की घात 2 धन बी की घात 2। अब ये जो है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2। इस तरह से 2 ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। और इसे आप देखेंगे तो कितना जटिल लगता है, लेकिन जब आप इसको तरीका जानते हैं तो बहुत आसान है। बस ये कोई ना कोई ए बी या कभी कभी ए बी सी वाला फार्मूला लगा होता है इसमें। तो देख सकते हैं 2 आ गया, और इसको आप अभी तो समझाया जा रहा था इसलिए समय लगा, ये 2 सेकंड में बनने वाला प्रश्न था, ठीक। अब हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह का है अगला प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, 465 धन 415 की घात 2 ऋण 4 गुणित 465 गुणित 415, तो बराबर क्या आएगा, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया, लेकिन ऑप्शन रहेगा आपके एग्जाम में, तो समझ लीजिए इसको कैसे हल करना है, क्योंकि ऑप्शन से हल नहीं करना है यहाँ पे, तो ये फार्मूला वाला ही प्रश्न है। तो देख सकते हैं आप इसको किस तरह से हल कर सकते हैं, ये हमें समझना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, आप देख ही सकते हैं कि ये ए धन बी पूरे की घात 2 ऋण 4 ए बी जैसा है प्रश्न, बिल्कुल देख सकते हैं, जहाँ पे ए 465 है, बी 415 है, यहाँ ए और ये बी और ये 4, तो क्या दर्शा रहा है, ए धन बी पूरे की घात 2 ऋण 4 ए बी, ठीक है, इसी को दर्शा रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो है इसको दर्शा रहा है, तो ये सीधा सीधा फार्मूला है, ये जो है इसको, यहाँ पे फार्मूला नहीं है, इसको अभी फार्मूला बनाया जाएगा, कैसे
आप इसको विस्तार कर दीजिए, ये वाला पोर्शन ये जैसा है, ये जैसा है उसको वैसे रहने दीजिए, ये ए धन बी पूरे की घात दो एक फार्मूला है आपको पता है, तो विस्तार कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हम उसका विस्तार कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए की घात दो धन बी की घात दो धन दो ए बी, और ये ऋण चार ए बी तो पहले से है, ऋण चार ए बी ठीक है, तो अब ए की घात दो धन बी की घात दो चार ए बी में दो ए बी, मतलब इस वाले भाग में से चार ए बी में से दो ए बी जाएगा तो दो ए बी बचेगा, चूंकि ये माइनस है चार के पहले इसलिए यहाँ पे भी माइनस आएगा ठीक है। तो अब ये खुद एक फार्मूला है, आप देख ही सकते हैं ये जो हिस्सा है ये खुद एक फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, ए ऋण बी पूरे की घात दो का, अब बस ए का मान रखना है और बी का मान रखना है और हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो ए का मान क्या है 415, ए का मान है 465 और बी का मान है 415, घटा देना है 5 में 5 गया, 5 में 5 गया शून्य आएगा दोस्तों, 6 में 1 गया 5 और 4 में 4 गया 0, तो 50। तो 50 का वर्ग निकालना बहुत आसान है, प्रश्न आएंगे वो इसी तरह के आएंगे जिसमें वर्ग निकालना आसान रहेगा, तो 5 5 25 और 2 0, तो जो 2500 है वही हमारा आंसर होगा, 2500 जो है वो आंसर होगा दोस्तों। अब अगले वीडियो में चलते हैं, अगले प्रश्न में चलते हैं, अगला प्रश्न है कुछ इस तरह का है, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे 435 गुनी 435 गुनी 435, उसके बाद ऋण का चिन्ह है ठीक है, यहाँ पे ऋण का चिन्ह है, 105 गुनी 105 गुनी 105, फिर बटे में 735 गुनी 735 धन 735 गुनी 105 धन 105 गुनी 105 ठीक है, तो इसको कैसे हल करना है, तो ये भी कोई ना कोई फार्मूला है। अब यहाँ आप देखेंगे कि दो वेरिएबल नहीं, दो अंक दिख रहे हैं, एक तो 735 है और एक 105 है, मतलब ये ए और बी वाला ही कोई ना कोई फार्मूला यहाँ लागू हो रहा है, तो बस ये 735 गुणित 735 गुणित 735 तीन बार गुना हो रहा है आपस में ही, तो ये असल में है क्या, 735 की घात 3 है, आपके लिए लिख देता हूँ 735 की घात 3 समझाने के लिए, उसी प्रकार 105 तीन बार गुना है मतलब वो 105 की घात 3 है, ये तो आपको पता ही, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, नीचे भी 735 गुणित 735 दो बार है मतलब वो 735 की घात 2 है धन 735 गुणित 105, उसको जैसा है वैसा ही रहन देते हैं 735 गुणित 105, फिर 105 गुणित 105 मतलब 105 की घात वो 2 है, आपको हल करते समय ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप तो सीधा हल करेंगे, ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ए जो है, अब यहाँ से समझना आसान है कि यहाँ पे ए जो है 735 है मतलब ए की घात 3, और बी जो है 105 है मतलब बी की घात 3, फिर बटा में वही ए की घात 2, और ये ए है ये बी है तो धन ए बी, मतलब ए और बी का आपस में गुना, फिर धन 105 की घात 2 मतलब बी की घात 2। अब असल में ये जो पूरा पोर्शन है ये एक सूत्र है, इसके बराबर कुछ ना कुछ होता है, तो वो क्या होता है एकदम इजी है, होता क्या है, ये जो पूरा अभी डब्बा में घेर के रखा हूँ ये पूरा सीधा बराबर होता है, ये सीधा बराबर होता है ए ऋण बी के, बस तो ए का मान हमारा 735 है, बी का मान 105 है, घटा दो उत्तर आएगा 5 में 5 गया 0, 3 में 0 गया 3, 7 में 1 गया 6, तो उत्तर हो जाएगा हमारा जो उत्तर आ गया दोस्तों वो है 630 ठीक है। तो ये है हल करने का तरीका, अगले प्रश्न में हम चलते हैं, तो देखिए अगला प्रश्न है 963 गुणित 963 गुणित 963 धन 137 गुणित 137 गुणित 137 बटे 963 गुणित 963 ऋण 963 गुणित 137 धन 137 गुणित 137, तो बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह ही है, पिछले प्रश्न की तरह है, पिछले प्रश्न का हूबहू नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे धन का चिन्ह है, यहाँ पे ऋण का चिन्ह है, यहाँ पे धन का चिन्ह है, तो ये महत्वपूर्ण है, चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो पहले वही यहाँ पे देखेंगे 963 गुणित 963 गुणित 963 मतलब 963 की घात 3 मतलब ए ए की घात 3,
फिर यहाँ पे धन का चिन्ह है तो धन लिख दो। फिर 137 गुणित 137 गुणित 137, मतलब 137 की घात 3, मतलब b की घात 3। b की घात 3 क्यों? क्योंकि b b बराबर है 137 और a बराबर है 963। नीचे 963 गुणित 963, 963 की घात 2, यानी कि a की घात 2। फिर ऋण का चिन्ह है, 963 को हमने a माना है और 137 को b, तो यहाँ पे a भी हो जाएगा, 963 गुणित 137 a भी हो जाएगा। फिर धन का चिन्ह है, 137 गुणित 137, 137 की घात 2, मतलब b की घात 2। अब ये जो है ये सीधा सीधा बराबर होता है, पिछले प्रश्न में a ऋण b के बराबर था वो, लेकिन यहाँ पे अलग है। ये जो है यहाँ पे जो है वो बराबर होगा ए धन बी के, ठीक है? यही है, चिन्ह का बहुत अंतर है, ठीक है? चिन्ह का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है, वहाँ ए ऋण बी, यहाँ ए धन बी, तो बस। और धन ऋण में पूरा आंसर बदल जाता है ना, तो ए का मान हमारा 963 था और बी का मान हमारा 137 था। जोड़ दो इसको, 7 और 3 10, हासिल आया 1, 6 और 1 7, 7 3 10, हासिल आया 1, 9 और 1 10 और 1 11, तो 1100 जो है हमारा आंसर है। 1100 क्या है? आंसर है। ये है हमारा आंसर, इस तरह से इसको हल करना रहता है। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। तो देखिए ये कुछ अलग दिया है यहाँ पे, लेकिन तरीका बस वही है। यहाँ पे ऐसा दे दिया है कि a बराबर 11 है, b बराबर 9 है, तो a की घात 2 धन b की घात 2 धन ए बी बटे ए की घात 3 ऋण b की घात 3 बराबर क्या होगा, ये बताना है। तो सीधा सीधा फार्मूला है, ठीक है? इसका आप देख सकते हैं कि ये जो ए की घात 2 धन बी की घात 2 धन ए बी है, और नीचे क्या है, ए की घात 3 ऋण बी की घात 3, तो ए की घात 3 ऋण बी की घात 3 जो असल में है वो बराबर होता है, उसका फार्मूला है कि ए की घात 3 है और बी की घात 3 है, तो ये बराबर हो जाता है ए ऋण बी कोष्टक बन ए की घात 2 धन बी की घात 2 धन ए बी, इसके बराबर हो जाता है ये, ठीक है? ये नीचे वाला, ठीक? और ऊपर का जैसा है वैसा ही रखना है फिलहाल के लिए। तो ऊपर में क्या था हमारा, ए की घात 2 धन बी की घात 2 धन ए बी पहले से दिया है, तो उसको भी हम लिख देते हैं यहाँ पे, ए की घात 2 धन बी की घात 2 धन ए बी। अब क्या दिख रहा है आपको, ये जो है और ये जो है आपस में कट गया, तो ऊपर तो बचा एक, ठीक है, और नीचे बचा ए ऋण बी, और यही है हमारा आंसर ये जो है, ठीक? तो इस तरह से प्रश्नों को हल किया जाता है। इस तरह के प्रश्न में असल में ए बी वेरिएबल लेके सूत्र ही होता है, या फिर कहीं कहीं ए बी सी लेकर कोई सूत्र होता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन करके रखिए। धन्यवाद।